संडे यानी कि फंडे। आज मैं आपके लिए फैशन की बहार लेकर आई हूँ। आज हर महिला टीवी से हिल नहीं पाएगी क्योंकि आज मैं साड़ी पहनने का सही तरीका सिखाऊंगी। शिल्पा और करीना जैसी फिटिंग की साड़ी आपके फिगर पे भी जचेगी। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। वन साइड ऑफ शोल्डर ब्लाउज का लेटेस्ट डिजाइन पति को भी भाएगा। फिल्म स्टाइल आपको मोहल्ले में सबसे मॉडर्न बनाएगा। नागिन का मॉडर्न लहंगा चोली आपके बजट में घर आएगा। चलिए वक्त क्यों गवाना, जब इतना कुछ दिखा है तो फिर आपको इंतजार नहीं कराते हैं, फटाफट शुरू कर देते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं आज का पहला महा उपाय। क्या शनिदेव आपको डराते हैं? क्या आप शनिदेव के कोप से परेशान हैं? तो उड़द की दाल के चार बड़े बना लीजिए। शनिवार को सुबह सिर से तीन बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर क्रोस को खिला दीजिए। सात शनिवार तक ऐसा ही करें, शनिदेव आपको तंग नहीं करेंगे। टीवी की सुपरहिट नागिन मौनी रॉय ने फिल्म के इस आइटम सॉन्ग में दो आउटफिट चेंज किए हैं। आज मैं आपको वो दोनों आउटफिट आपके बजट में आपके घर तक पहुंचेंगे, इसका इंतजाम कैसे करना है ये बताऊंगी। गौर से देखिए। मौनी इस ब्लैक आउटफिट में देखिए कितनी स्टाइलिश लग रही हैं। मौनी ने इसमें वन साइड ऑफ शोल्डर ब्लाउज पहना है जिसे मौनी ने अफगानी पजामा के साथ टीम अप किया है। आप देख सकते हैं इस आउटफिट के साथ मौनी ने कहीं कोई जूड़ी नहीं पहनी है, बस मांग टीका लगाया है और इस लुक में उन्हें फुल ऑन स्टाइलिश बनने के लिए हमारे सामने जो वो एक इमेज है उनकी वो तोड़कर वो बिल्कुल सुपर स्टाइलिश लग रही है और इसमें उन्होंने कोई कसर नहीं। लगती है बड़ी खूब नच नच तेरा निकले पसीना और सबसे पहले मौनी के वन साइड ऑफ शोल्डर ब्लाउज की बात करते हैं। आइए आपको बताती हूँ ये लेटेस्ट ब्लाउज किन डिजाइन्स और रेंज में आता है और मैं आपको आपके बजट में कैसे मिलेगा ये भी बताऊंगी। कट ऑफ शोल्डर की बात करूं तो वो भी आजकल बहुत इन है, चाहे वो लहंगा हो या फिर साड़ी का हो। कितना इन है, कितना लोग डिमांड करते हैं और किस तरह से होता है? अब ऑफ शोल्डर हुआ, वन शोल्डर हुआ, जो बहुत इन है आजकल। फॉर एग्जांपल आई शो यू वन, जैसे ये ब्लाउज हुआ, तो इस किस्म के ब्लाउज में आपकी ज्वेलरी अच्छी दिखती है, यू लुक गॉर्जियस, यू लुक मॉडर्न इस सीजन। शोल्डर ब्लाउजेस भी बहुत ज्यादा इन है और उसमें आपका है कि अगर आप हेयर स्टाइल किस तरह से रखें। आपको पहले ब्लाउज बनाना है, ब्लाउज को फुल फोकस रख के इस किस्म से डिजाइन करवाओ कि आपको आसानी हो हेयर स्टाइल में, ज्वेलरी में खास तौर पे। कुछ और डिजाइन यहाँ पर हैं, वो भी अगर हम दिखाएं कि इस तरह के भी जो हम देख रहे हैं, इस तरह के भी ब्लाउजेस आजकल बहुत इन है, इसमें भी आप कट ऑफ शोल्डर कर सकते हैं या वन शोल्डर। देखिए कट फिट का और डिजाइनिंग का
खास करके वर्क का इसमें कोई संबंध नहीं। सबसे पहले आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, वो है आपका फिट और आपका कट। जहाँ पे ये दोनों में आपने अच्छा काम अच्छा कर लिया, देन वर्क इज सेकेंडरी, आप जैसे चाहिए हो आप अपना वर्क करवा लो। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि जिसको कट ऑफ शोल्डर पूरी तरह से नहीं पहना है, तो इस तरह के डिजाइन नेट में होता है कि आपका लुक भी उस तरह का आ जाए। और आप सर आई एक्सप्लेन आपको समझाता हूँ, ये बहुत ही मॉडर्न है, गर्लिश टाइप का है। टीनेज लड़कियां जैसे 16 18 20 साल की लड़कियां पहनती है साड़ियां, तो वो लोग वो लड़कियां इस किस्म के ब्लाउज ज्यादा प्रेफर करती है टू गिव दैट मॉडर्न लुक। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा मुझे ब्लाउज दिख रहा है, तो इसका शायद कलर बहुत ही अच्छा है और इसका वर्क भी बहुत खूबसूरत। देखिए ये ना ये कॉर्सेट ब्लाउज है, इट इज अ बिट लॉन्ग एज यू सी, आप देखो तो ये थोड़ा लंबा है। इट इज नॉट अ चोली ब्लाउज, दिस इज कॉर्सेट अ बिट लॉन्ग। इफ यू वॉन्ट टू कवर योर स्टमक, दिस इज द काइंड ऑफ ब्लाउज यू कैन एंड अप विथ। थैंक यू सो मच निलेश। तो ये कुछ खास तरह के ब्लाउजेस हमने आपको दिखाई कि किस तरह से अगर बात करें कट ऑफ शोल्डर की या वन शोल्डर की ब्लाउजेस की, उसको आप चाहे साड़ी पे कैरी करना चाहे या लहंगे पे कैरी करना चाहे, तो वो बहुत ज्यादा इन है। और उसके साथ साथ उसका हेयर स्टाइल अगर आप उसी के अकॉर्डिंगली ब्लाउज के अकॉर्डिंगली बनाएंगे, ज्वेलरी आपकी उसी के अकॉर्डिंग होगी, तो आप अगर फंक्शन में जा रही हैं तो आप बेहद खूबसूरत दिख सकते हैं। जो गाना हमने देखा है उसमें आपने नोटिस किया, आपने नोटिस किया ही होगा कि मौनी ने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी है, बस मांग टीका है। एक मांग टीका आपके पूरे लुक को स्टाइलिश बना देता है। आइए मैं आपको मार्केट में मांग टीके के सबसे बेस्ट और लेटेस्ट स्टाइल दिखाती हूँ। आप खुद ही डिजाइन देख लीजिए और आपके फेस पर कौन सा सूट करेगा, कौन सा बेस्ट है, ये भी डिसाइड कर लीजिए। ज्वेलर्स पे अब इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि मार्केट में क्या कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं मांग टीका के लिए। तो सबसे पहले कुछ ऑप्शंस आपको दिखाते हैं गोल्ड में और कुंदन में, ये कुछ ऑप्शंस हैं। ये बहुत ही लाइट वेटेड मांग टीका है जिसको आप कैरी कर सकते हैं। इसका डिजाइन भी बेहद खूबसूरत है, प्योर गोल्ड में ये है। और इसकी कीमत की बात करें तो अराउंड 30,000 to 35,000 इसका प्राइस है। साथ ही ये जो मांग टीका है यहाँ पर ये मौजूद है, आजकल इन ट्रेंड भी है। अगर आपको लग रहा होगा कितना बड़ा मांग टीका है, तो ये बेहद इन ट्रेंड है। कुंदन और गोल्ड में ये मांग है का है जो बेहद खूबसूरत लगता है। इसी की तरह कुछ और ऑप्शंस भी ये कुंदन में मौजूद हैं मांग टीका के। और आजकल जो मांग टीका है आपका, पहले की तरह जो मांग टीका आपने देखा होगा पुराने जमाने में, जो आपकी दादी लगाया करती होगी, बड़े बड़े मांग टीका राउंड उसमें हो, चाहे ट्रायंगल में हो, ओवल शेप में हो, तो वही मांग टीका आजकल इन फैशन है, बैक इन फैशन है। और ये मांग टीका ये आप देख सकते हैं, इसमें रूबी लगा है गोल्ड है। और इस तरह से ये मांग टीका बेहद खूबसूरत लगता है। आपने किसी भी कलर की ड्रेस पहनी उसके साथ ये बहुत ज्यादा मैच हो सकता है। पोलकी में ये कुछ मांग टीका मौजूद है, साथ ही डायमंड्स इनमें लगा हुआ है मांग टीका में। ये जो मांग टीका है आप देख रहे हैं पोलकी में है, छोटे छोटे पर्ल इसमें मौजूद है और ये रूबी है, साथ ही ये कट डायमंड्स इसमें लगे हुए हैं जो बेहद खूबसूरत लगते हैं और बेहद खास लुक देते हैं आपके फेस को। और ये जो है प्योर डायमंड में है। साथ ही ये कुछ मांग टीका है जो थोड़े से बड़े हैं, पर अगर आपके फेस पे इस तरह का मांग टीका आप लगाएं और आपका फेस कट उस हिसाब का है, तो बेहद खूबसूरत लगता है ये मांग टीका। और आप भले ही आप कुछ इंडो वेस्टर्न टाइप ड्रेस भी पहन रही हो, उसके ऊपर भी जब इस तरह का मांग टीका आप पहनती हैं तो बेहद खूबसूरत लगती है। इसी तरह के जो मांग टीका के ऑप्शंस बहुत से मार्केट में मौजूद हैं। और उसके आगे बढ़ते हुए एक बेहद खास मांग टीका आपको दिखाते हैं, जो आप देखेंगी तो जरूर आपका मन ललचाएगा। ये एक मांग टीका है जो माथा पट्टी की तरह भी ये यूज किया जा सकता है, डिटैचेबल है, इसको आप हटा सकती हैं इस तरह से, तो ये केवल एक इस तरह से मांग टीका रहेगा। हालांकि इसकी कीमत जरूर 10 लाख रुपए है। अगर आप चाहें किसी शादी में आप जा रही हैं या घर का कोई फंक्शन है, तो उसमें आप माथा पट्टी की तरह भी इसको लगा सकती हैं। और ये तो कुछ ऑप्शंस हैं कि आपके डायमंड में है, गोल्ड में है, कुंदन में है, तो थोड़ा आपको रेंज ज्यादा जरूर है। लेकिन अगर आप चाहती हैं तो इस तरह के आर्टिफिशियल भी मांग टीका आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जो इस तरह के मांग टीका मार्केट में है जिसको आप पहन सकती हैं, अपनी ज्वेलरी में इंक्लूड कर सकती हैं और आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा सकती हैं। मेरे पास भी मांग टीके से जुड़ी एक खास बोनस टिप है कि मांग टीका हर सुहागन या यूं कहें हर महिला को क्यों पहनना चाहिए,
चलिए आपको ये बताते हैं। देखिए मांग टीका जो है, जब आप यहाँ पर पहनते हैं और आपकी मांग के सेंटर को गोल टच करता है तो इससे आपके अंदर रिलैक्सेशन आती है। अगर आप अपनी राशि के हिसाब से सिर्फ ये भी देख लें कि आपको कौन सा मांग टीका सूट करेगा, सिल्वर या गोल्ड, उस मेटल के मांग टीके को अगर आप दिन भर में नहीं पहन सकते हैं, वर्किंग है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, समझ में आता है, सिर्फ रात को भी लगाकर सो जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पे आपका क्राउन चक्रा होता है, इससे आपके माइंड से स्ट्रेस निकलता है। अगर स्ट्रेस निकालना है तो कुछ समय चांदी का मांग टीका यहाँ पे लगाकर सो जाइए, और अगर आपको एनर्जी की जरूरत है तो सोने का लगाइए। देखिए ये छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में कितनी मेजर चेंजेस लेकर आती है। चलिए अब दूसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। सवाल ये है कि क्या नेगेटिव एनर्जी पीछा नहीं छोड़? अगर नेगेटिव एनर्जी आपको तंग कर रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत लगी रहती है, तो बाजरे का दलिया आपको क्या करना है, 1 से 1.25 किलो ले लेना है, यानी कि 1 किलो और 250 ग्राम आपको ले लेना है और इसको बनाना है। फिर आपको उसमें पाव भर गुड़ मिलाकर मिट्टी की हांडी में रख लेना है। सिर से पैर तक 7 बार उसार कर चौराहे पर शाम को रख देना है। मुड़कर नहीं देखना है, ना ही बात करनी है, वापस घर आ जाना है। ये 3 शनिवार तक करना है। मुझे मालूम है आप साड़ी को इस तरह से पहनना चाहती हैं, लेकिन गड़बड़ हो जाती है। शादी ब्याह में मेरे जो दर्शक साड़ी पहनने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें भी बहुत जरूरी बातें मैं बताने वाली हूँ। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना भी होगा और खुद भी देखा होगा कि उनकी साड़ी बहुत सुंदर थी लेकिन उस पर जच नहीं रही थी। अरे मुझे एक बात बताइए, साड़ी की अगर हम बात कर रहे हैं तो साड़ी खूबसूरत तो थी लेकिन जच कैसे नहीं रही थी? ऐसा कैसे होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि आप अक्सर साड़ी पहनने के समय कुछ गलतियां कर देती हैं। आपको गलतियों से बचना होगा। कैसे बचना होगा वो जानिए। तुम्हें अपना बनाने का जुनून चल गए कब से है। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि जब आप साड़ी पहनने वाले हैं तो अपने उसके हिसाब से किस तरह की आपकी साड़ी है, क्या उसका फैब्रिक है, किस तरह की उसकी फॉल आ रही है, उस हिसाब से आप अपनी ज्वेलरी और अपने फुटवेयर का ध्यान रखें। कभी भी साड़ी पहनते हुए इस तरह का फुटवेयर आपको नहीं पहनना। इस तरह का जो प्लेटफॉर्म वियर होता है या जो ब्लॉक हील्स होती हैं, अगर आप देखते हैं आपके पास इस तरह की भी ब्लॉक हील्स हो सकती हैं घर पे, तो इस तरह के आपको ऑफिशियल वियर या कंफर्टेबल वियर नहीं पहनने हैं। साड़ी की जो सबसे अच्छी ग्रेस आती है वो इस तरह की पेंसिल हील्स में या प्रॉपर जो फॉर्मल स्टिलेटोज होते हैं उसमें ज्यादा अच्छी लुक आती है। तो फुटवेयर के बाद जो सेकंड चीज आती है, जैसे कि आप देखेंगे आपका पेटीकोट, अगर आपने नेट की साड़ी पहनी है तो आपका पेटीकोट सैटन में होना चाहिए और प्रॉपरली प्रेस्ड होना चाहिए, फ्रेम्ड होना चाहिए। इस तरह से मुड़ा तोड़ा पेटीकोट बिल्कुल नहीं पहनना आपने। अगर आप देखेंगे तो इस तरह से अगर अनप्रेस्ड है या कॉटन का आपने पेटीकोट पहना है नेट साड़ी के नीचे तो बहुत ही अग्ली लग रहा है इस समय। थर्ड थिंग इज आपकी साड़ी की प्लीट्स। जब भी आप प्लीट्स बांधते हैं तो आपकी प्लीट्स बिल्कुल फ्लैट और आपके बॉडी के साथ शेप में होनी चाहिए। बहुत ज्यादा मोटी और बेढंगी बंधी हुई प्लीट्स आपको फ्लैगी दिखा सकता है, मोटा दिखा सकता है। उसके बाद आप देखते हैं पल्ला, जो पल्ला है पल्ले की लेंथ हमेशा आपके घुटने से 4 या 3 इंच नीचे होनी चाहिए। अगर आप अपनी प्रॉपर प्लीटिंग कर रहे हैं तो प्लीटिंग करते हुए आपकी साड़ी की ये प्रॉपरली शेप आनी चाहिए। अगर नीचे से आपकी प्लीट बाहर दिख रही है या प्रॉपर बंधा हुआ नहीं है ढंग से तो इन प्रॉपर प्लीटिंग भी आपकी साड़ी को बहुत बेढंगा शो कर सकती है। इसके बाद जो बहुत जरूरी चीज है वो है आपके ब्लाउज। जो आपका ब्लाउज है, अगर आप पैडेड ब्लाउज पहन रहे हैं तो नेचुरल पैडिंग होनी चाहिए, ज्यादा ऑकवर्ड या आर्टिफिशियल नहीं लगनी चाहिए। साथ ही आपके ब्लाउज की फिटिंग ना तो बहुत ज्यादा टाइट होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा लूज होनी चाहिए।
तो मेक श्योर कि आप साड़ी जो पहन रहे हैं वो आपकी बॉडी के फिट और आपके बॉडी की शेप के हिसाब से बनी हुई है। इसके साथ साथ जो आप ज्वेलरी पहनेंगी अपने ब्लाउज के साथ, जो प्रॉपर साड़ी है, अगर साड़ी आपने पहनी है खूबसूरती से पहनी है तो मेक श्योर कि बहुत ज्यादा हैवी ज्वेलरी ना हो, हैवी ब्लिंगी स्टफ ना हो, वो सब भी आपकी जो लुक है उसको किल करता है। अब हम जरा अपनी हीरोइन से भी मिल लेते हैं, जान लेते हैं कि ये खूबसूरत बलाएं साड़ी पहनते वक्त किन बातों का ध्यान रखती हैं, जो शायद आप ना रखती हूँ, तो ध्यान से सुनिए। हिंदुस्तानी औरतें और लड़कियों को सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स तब मिलते हैं जब वो साड़ियाँ पहनती हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो इस लिबास में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो मेरे साथ हैं काली, सबसे पहले बहुत खूबसूरत लग रही हैं आपकी लाल लाल साड़ी। थैंक यू सो मच जी। ये बताइए, कहते हैं लोग कि साड़ी जब पहनते हैं तो उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो। दैट्स द थिंग, मुझे साड़ी में चलना और साड़ी को मैनेज करना बहुत टफ लगता है। आई मीन ये तो फिर भी हल्की फुल्की है, कुछ कुछ साड़ियाँ बहुत ही हैवी होती हैं, बहुत ही हैवी वर्क क्या होता है ब्लाउज और साड़ी पे, एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। तो कौन कौन सी बातें हैं जब कोई साड़ी पहने तो उसका ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें हैं, किस चीज़ों का ख्याल रखती हैं आप? मैंने सीखा है किसी से, मेरे शो में मंजीमा है, वो बहुत अच्छी साड़ी पहनती है, तो मैंने ऐसे किसी ना किसी को देख देख के ही सीखा है दैट ये जो प्लीट्स होती हैं इनको आप बहुत ही लंबा लंबा बनाओ सो दैट ये पतली लगे जी। ये प्लीट्स पतली लगे, कपड़ा पतला लगे, एंड साड़ी में यू कैन डू ऐसे प्लीट्स भी कर सकते हैं, ओपन पल्लू भी कर सकते हैं, सो देर आर मेनी थिंग्स। ओपन पल्लू ज़्यादा इंडियन लगता है और ऐसे शेप में किया हुआ थोड़ा वेस्टर्न टाइप लगता है, सो आई थिंक साड़ी का सबसे मेन चीज है कि ये जो मुझे सिखाते हैं जो मेरे जो भी एल्डर्स हैं कि ये टच होनी चाहिए नीचे जमीन पे। अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप जब खूबसूरती की बात करती हैं, साड़ी तो जाहिर सी बात है खूबसूरत बनाता है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं मेकअप का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है जब आप साड़ी कैरी करती हैं, तो कैसे मेकअप को यूज करती हैं, कितना मेकअप लगाती हैं? मैं आई डोंट नो, मुझे मेकअप इतना पसंद नहीं है, तो मैं अच्छा इस गाने में क्या आपने नेहा शर्मा को नोटिस किया, क्या कह रही है? नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए नोटिस किया, जी हाँ गौर से देखिए। सबसे पहले नेहा के इयररिंग को गौर से देखिए, इयररिंग के स्टाइल को कहते हैं फिल्म स्टाइल। नेहा ने इस गाने में आप देख सकते हैं कि मजेंटा कलर की चोली के साथ में फ्रंट ओपन का डिजाइनर पैंट पहना है। वैसे इसे पहले स्टाइल को कचीना कैफ ने भी रेस फिल्म के गाने में आपने देखा होगा खाब देखे झूठे मूठे इस गाने में कैरी किया था, लेकिन रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म तुम बिन टू के इस गाने में नेहा ने इस लुक को अपने आउटफिट को अपनी ज्वेलरी से जितना ज्यादा स्टाइलिश बनाया है उतना ही सिंपल भी है। क्यों ना आपको फिल्म स्टाइल इयररिंग के बारे में इसके अलावा और भी कुछ पहना नहीं है तो इस इयररिंग के बारे में आपको बताते हैं। देखिए फ्रिंज एक्सेसरीज कैजुअल ड्रेसिंग के साथ ज्यादा सूट करती है, फ्रिंज जब भी चुने तो उसे मिनिमल ही रखें वरना बहुत ड्रामेटिक लुक लगेगा। देखिए इस गाने में भी नेहा शर्मा ने सिर्फ इयररिंग ही पहने हैं, फ्रिंज चाहे ड्रेस में हो, बैग में हो, शूज में हो, किसी भी लुक में हो मूवमेंट देता है। अब मैं आपको अपने शो में फिल्म स्टाइल के बारे में बताने वाली हूँ।
ये स्टाइल आपने देखा होगा कई बार, लेकिन पूरी तरह से शायद वाकिफ ना हो। तो कोई बात नहीं, मैं अपडेट कर देती हूँ। इस गाने में कैटरीना कैफ ने जो ड्रेस पहना है इसे भी फिल्म स्टाइल ड्रेस कहते हैं, लेकिन इस ड्रेस के साथ आप प्लेन कलर हील्स भी पहने, फिल्म सैंडल पहनने की सोचिए भी मत। फिल्म धूम सुपरहिट हुई और इस फिल्म के गाने में भी ऐश्वर्या राय बच्चन के फिल्म स्टाइल को इन्होंने पहनकर कैरी किया था। धूम सीरीज में ऐश्वर्या राय कभी फिल्म ड्रेस में स्कर्ट में नजर आई तो कभी फिल्म सैंडल में। ऐश्वर्या ने इस ग्लैमरस लुक को स्टाइलिश बनाया इसी फिल्म स्टाइल ने। तरह से ड्रेस पहने, लेकिन आपने अगर उसके साथ फिल्म स्टाइल स्टोल कैरी कर लिया तो फिर स्टाइल के लिए कुछ और कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आपके इंतजार को क्यों बढ़ाएं, सबसे पहले फैशन डिजाइनर के पास चलते हैं और इस फिल्म स्टाइल के बारे में आपको और समझाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा एक छोटा सा फ्रिंज एक कपड़े को कितना हाईलाइट करता है। जैसे कि आप ये गाउन देख रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल एक वन कलर का गाउन है। इसमें आप छोटी सी एक अगर फ्रिंज इयररिंग पहन लेंगे तो ये बहुत हाईलाइट हो जाएगा। बहुत ज्यादा ओटीटी नहीं करना चाहिए, बहुत सिंपल रखना चाहिए। अब जैसे कि मैं इस कॉन्सेप्ट पे आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे कि ये तरह का अनारकली है, यू नो, इसका खुद का एक आप एक नेकलाइन देखिए, ये बहुत ब्यूटीफुल है। इसमें आप अगर सैंडल्स पहन लेंगे, एक फ्रेंच सैंडल पहन लेंगे तो ये आउटफिट बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा। एक स्मॉल क्लच उठा लीजिए इसके साथ, यू नो, दिस विल लुक वेरी वेरी नाइस। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में फ्रेंच बहुत अच्छा लगता है। अब आप एक गाउन में आपको और दिखा रहा हूँ, जैसे आप ये गाउन देखिए, अगर ये गोल्ड गाउन है मेरा, इसमें ऑलरेडी इतना इलेबोरेटेड काइंड ऑफ स्टफ है ये, आप देखिए पूरा बहुत इलेबोरेटेड है। इसमें अगर आप फ्रेंच हेयर कट कर लेते हैं, एक एलिमेंट ऑफ फ्रेंच हेयर कट कर लेते हैं, ये गाउन बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। तो छोटी छोटी जो चीजें होती है जो हम अपने माध्यम में डे टू डे यूज करते हैं, बहुत ज्यादा ओटीटी लोग बहुत बड़ा बड़ा कान में पहन लेते हैं, गले में पहन लेते हैं, बहुत ओटीटी कर देते हैं, ओवर द टॉप हो जाता है। आई थिंक टू अवॉइड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिंज इज वेरी मच इन फैशन। अब आप ये देखिए इसका जो कट है, जो कलर पैलेट है, बहुत ज्यादा सिंपल एंड एलिगेंट है इसके ऊपर। तो आप इसमें एक छोटे से फ्रेंच इयररिंग्स पहन लीजिए, ये आउटफिट बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा। इसी प्रकार के जो कलेक्शन हम बनाते हैं, जो बहुत सिंपल गाउन्स होते हैं, जो बहुत एलिगेंट गाउन्स होते हैं, उस पे हम इसका भिन्न भिन्न तरह से अपनाते हैं इसको। अब जैसे ये पूरा जो गाउन है ये फ्रिंच कट से ही इंस्पायर्ड है। ये देखिए जो पूरी नेकलाइन इनकी ली हुई है, दिस कट इज लाइक दैट, इज वेरी डिफरेंट, यू नो, विच ऑल्सो लुक्स वेरी वेरी नाइस आफ्टर वेयरिंग इट। इसमें कोई भी एक्सेसरी की जरूरत नहीं है, कोई भी शू की जरूरत नहीं है, ये कटी गाउन का इसको बहुत ब्यूटीफुल लगता है। देन बहुत डिफरेंट तरह के क्रॉप टॉप्स होते हैं, आप टॉप पहनिए, फ्रिंज टॉप पहनिए विद ए नाइस स्कर्ट, विद नाइस बूट में फ्रिंज लटके होने चाहिए, इट लुक्स वेरी वेरी नाइस। चलिए वक्त हो गया है और अब बात कर लेते हैं तीसरे महा उपाय की। सवाल ये है कि क्या बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है? अगर बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, सिर दर्द और वायरल बुखार से मुक्ति के लिए आप चाहते हैं कुछ करना, तो 11 पानी वाले नारियल सिर से अपने हेड से उल्टा घुमाकर शिवजी के मंदिर में रखाएं। वहां शिवलिंग के पास जमीन पर उसको फोड़ कर जल नारियल का शिवलिंग पर चढ़ा दें, लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, इलाज सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे महा उपाय की बात कर लेते हैं। सवाल ये है कि क्या किराए के मकान में आप रहते हैं, अपना घर चाहते हैं? अपना घर बनाने के लिए मकान बनवाने या खरीदने से पहले किसी पसंद की चीज का दान करें और पुष्य नक्षत्र आपको पंचांग से गूगल से पता चल जाएगा, इसी में ही मकान की नींव रखें या आप एडवांस दें या आप रजिस्ट्री कराएं, वास्तु पूजन जरूर करवा लीजिएगा।
अब आपको बताना है वो काम जिससे कल का दिन होगा लकी। हर दिन को अच्छा बनाना है, हर दिन को सेफ बनाना है। उसके लिए अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से कीजिए इस टिप को फॉलो और पाइए रिलीफ। बात करते हैं उनकी जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट ए टू एम। अगर ए से आपका नाम शुरू होता है तो उनको सेफ बनाना है। उसके लिए अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से कीजिए इस टिप को फॉलो और पाइए रिलीफ। बात करते हैं उनकी जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट ए टू एम। अगर ए से आपका नाम शुरू होता है तो आटे की गोलियां चिड़ियों को जरूर खिलाइएगा। बी से है आपका नाम तो सूर्य को मिश्री वाला पानी चढ़ाइए। सी से नाम शुरू होता है, बेकार की सोच से बचना है आपको। डी से है आपका नाम तो बड़े भाई बहन की बात माने। ई से नाम शुरू होता है तो नीला रुमाल साथ में रखे। एफ से है आपका नाम तो मंदिर जरूर जाएं। जी से नाम शुरू होता है तो घर वालों के साथ बैठकर खाना खाएं। एच से है आपका नाम तो विष्णु जी की पूजा करें। आई से नाम शुरू होता है तो धनिया के पत्ते खाकर घर से निकले। जे से है आपका नाम तो बच्चों को कोई मीठी चीज खिलाएं। के से नाम शुरू होता है तो पान का पत्ता मंदिर में रखें। एल से है आपका नाम तो सूजी का हलवा खाएं। एम से नाम शुरू होता है तो पिता की सेवा करें। चलिए पांचवें महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या कोई सरकारी काम बहुत लंबे समय से अटका हुआ है? अगर ऐसी आपकी सिचुएशन है, सरकारी काम बनाने के लिए नॉर्थ ईस्ट कोने में मंदिर बनाकर मुकदमे की फाइलें पूजा के स्थान पर ही रखें। अगर आप सच्चे हैं तो मुकदमे का फैसला आपके पक्ष में ही होगा। आइए अब उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट एन टू जेड। अगर एन से आपका नाम शुरू होता है तो लोहे का छल्ला उंगली में पहने। ओ से नाम शुरू होता है तो अपने पितरों को याद करें। पी से है आपका नाम तो काम में घर वालों की मदद लें। क्यू से नाम शुरू होता है तो घर के पौधों को पानी दें। आर से है आपका नाम तो मीठे से दूर रहें। एस से नाम है तो लक्ष्मी जी की पूजा करें। टी से है आपका नाम, हरा पेन साथ में रखें। यू से नाम शुरू होता है तो सूर्य देव को पानी दें। वी से है आपका नाम तो चिड़ियों को बाजरा खिलाएं। डब्ल्यू से नाम शुरू होता है तो पैसे के पीछे ज्यादा ना भागे। एक्स से है आपका नाम तो कोई बड़ी डील ना करें। वाई से नाम है आपका तो प्रैक्टिकल बने। और अगर जेड से है आपका नाम तो लस्सी जरूर पिए। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, नई चीजों के साथ कल मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर।